Assalamualaikum kids, how are you? Yes, it's our English time और आज हम अपने English time में क्या करेंगे? आज हम एक new activity करेंगे. Are you ready? Okay, now tell me what is this? Yes, this is marker. And what is this? Pencil. This is pencil. This is marker. This is pencil. What is this? Eraser. This is eraser. This is eraser. This is pencil. This is marker. और जब ये marker हमसे दूर जाएगा तो हम इसे बोलेंगे that is marker. जी, जो चीज़ हमारे पास होती है वो this is बोलेंगे, और जब वही चीज़ दूर होगी और हम उसको point out करेंगे तो हम उसे that is बोलेंगे. दूर है ना, that is marker. This is marker. That is marker. जो करीब होगा वो this is, और जो दूर होगा वो that is. जैसे this is pencil. That is marker. Marker दूर है ना. This is pencil. That is marker. Now tell me, that is pencil. क्योंकि आप हमसे दूर pencil है. And yes, this is marker. That is pencil. Pencil दूर है ना, तो that is pencil और this is marker. ऐसे ही that is, this is eraser. And that is eraser. This is marker. Well done. And that is eraser. Excellent kids. आपको तो पता चल गया, और आपको अच्छा सा पता चल गया कि this is किस पे लगाते हैं और that is किस पे लगाते हैं. Well done. तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने पेज पे, और मुझे पता है मेरे बच्चे कर लेंगे इसको फटाफट, क्योंकि अब मेरे बच्चे को समझ आ गई है ना. चले, let's look at the board. Look at your icon first. Your first icon is read. Read. Color. Color. Write the date here. This is. Read with me. This is. This is. That is. That is. That is. Now look at the picture. ये छोटी सी प्यारी सी butterfly हमारे पास हैं, तो हम this is लगाएंगे या that is लगाएंगे? Well done. This is butterfly. This is butterfly. This is butterfly. और वो दूर देखे कौन है? Owl हैं, तो हम क्या लगाएंगे? Yes, you're right. That is owl. That is owl. Owl दूर है ना, और butterfly करीब है, तो that is owl. And yes, this is butterfly. This is butterfly. That is owl. That is owl. और अब हम देखते हैं next picture. जी, ये हमारे पास कौन है? किचन है, तो क्या लगाएंगे? दिस इज और दैट इज. वेल डन. दिस इज किचन. दिस इज किचन. दिस इज किचन. और वो दूर देखें कौन खड़े हुए? ज़ेब्रा खड़े हुए हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे ब्लैंक में? That is excellent. That is zebra. That is zebra. That is zebra. This is kitten. That is zebra. Now look at your next picture. कौन है हमारे पास? जी, zebra है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे?
दिस इज ज़ेब्रा. यहाँ पे ज़ेब्रा दूर थे और यहाँ ज़ेब्रा पास आ गए, तो हम लगाएंगे दिस इज ज़ेब्रा, दिस इज ज़ेब्रा, दिस इज ज़ेब्रा. और वो दूर कौन खड़े हुए हैं? अहमद खड़े हुए हैं, तो हम क्या लगाएंगे? दैट इज अहमद. वेल डन, दैट इज अहमद, दैट इज अहमद. एक्सलेंट किड्स, आपने तो बहुत अच्छे से सारे ब्लैंक्स फिल किए. वो आपने खुद से फिल करना है, दोबारा पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, ठीक है? अच्छे से रीड करना आ जाए. उसके बाद आपने पिक्चर क्लिक करनी है. कलरिंग तो मस्ट है. अप एंड डाउन पोजीशन में आपने पहले कलरिंग करनी है, दोबारा रीड करना है, एंड देन अच्छे से अप एंड डाउन पोजीशन में कलर करना है, फिर पिक्चर क्लिक करनी है और अपने टीचर को सेंड करके बताना है कि दिस इज़ और दैट इज़ में क्या फ़र्क होता है. ओके, बाय.